नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ मानसी श्रीवास्तव। दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है धनतेरस से। इस दिन भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही सोना चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही राशि के अनुसार क्या खरीदारी करें। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। इस दिन धन के देवता भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर साल धनतेरस कार्तिक मास के 13वें दिन और दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन क्षीर सागर के मंथन के दौरान माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रकट हुए थे। आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह 7:07 से 9:15 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं दोपहर में 1 बजे से 2:30 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद शाम को 5:35 से 7:30 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस धनतेरस पर आपको राशि के अनुसार कैसे खरीदारी करनी है हम बताते हैं। मेष राशि के लिए चांदी के बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना लाभदायक रहेगा। वहीं वृषभ राशि के लिए चमकीले वस्त्र, चांदी अथवा तांबे के बर्तन खरीदना शुभ रहेगा। मिथुन राशि के लिए सोने के आभूषण, केसर, वाहन खरीदना शुभ रहेगा। कर्क राशि के लिए चांदी के आभूषण, सिक्के और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना उत्तम रहेगा। सिंह राशि के लिए तांबे, कांसे के बर्तन, कपड़े और सोने की कोई चीज खरीदना शुभ रहेगा। कन्या राशि के लिए गणेश जी की मरगज की मूर्ति, चांदी का सामान अथवा रसोई का सामान खरीदना शुभ रहेगा। तुला राशि के लिए सौंदर्य का सामान, चांदी के बर्तन, सिक्के या सोने का सामान अथवा सजावटी सामान खरीदना शुभ फलदायक रहेगा। वहीं अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोने के आभूषण खरीदना काफी शुभ रहेगा। धनु राशि के लिए सुगंधित सामान, सोने के सिक्के, आभूषण अथवा सोने का सामान खरीदना शुभ रहेगा। वहीं मकर राशि के लिए वाहन, कपड़े, चांदी के बर्तन, आभूषण खरीदना शुभ रहेगा। कुंभ राशि के लिए प्रसादन के सामान, दो पहिया वाहन, सौंदर्य प्रसादन का सामान खरीदना शुभ रहेगा। वहीं मीन राशि के लिए चांदी के सिक्के, सोना, चांदी के बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना लाभदायक रहेगा। आप सभी को धनतेरस के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की खबर लखनऊ।